हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रिएशन। मैं आपका अपना दोस्त विकी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यू वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन के बारे में। दोस्तों यह सोनी लूप पर रिलीज की गई है, जिसके 6 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जो कि एकदम ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटनाओं से ये सीरीज है। दोस्तों ये कहानी मुंबई के बम धमाकों की जो तफ्तीश करने वाले एक अधिकारी होते हैं दोस्तों, उसकी हत्या के तार काठमांडू से जुड़े होने की है। दोस्तों इसी एक लाइन पर यह कहानी आधारित है, जो कि देखने में दिलचस्प भी लगती है, लेकिन दोस्तों पर्दे पर जब 6 एपिसोड की जो कहानी है वो एकदम से आपको देखने के बाद में बोझिल भी लगने लग जाएगी। दोस्तों सीरीज़ का जो पहला एपिसोड है, जिस तरह से वो शुरू होता है, उससे उम्मीद जगती है कि एक ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों तीसरे एपिसोड तक मामला सही भी है, जो कि मुख्य प्लाट और प्लाट्स के में ट्विस्ट एंड टर्न्स जोड़े गए हैं, जो कि उम्मीदों को बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों चौथा जो एपिसोड शुरू होता है, उसके बाद में यह सीरीज़ एकदम से औंधे मुँह गिर जाती है दोस्तों, और जो उम्मीद होती है वो भी एकदम बेकार हो जाती है। दोस्तों आखिरी के एपिसोड तो बुरी तरह से एकदम खींच के रखा गया है, और ये कहना गलत नहीं है। दोस्तों काठमांडू कनेक्शन की जो मुख्य कमियां हैं वो है एक कहानी और उसका ट्रीटमेंट। दोस्तों सीरीज़ की शुरुआत में 92 में हुए मुंबई में सीरियल ब्लास्ट की जांच अधिकारी के हत्या से शुरू होती है। फिर कहानी का एक कनेक्शन दिल्ली में हुई एक किडनैपिंग, काठमांडू से आ रहे एक के टीवी जर्नलिस्ट उसको ब्लैक कॉल्स के साथ साथ पुलिस जर्नलिस्ट और गैंगस्टर के प्रेम का त्रिकोण पहुंच जाता है। दोस्तों आखिर में यह सीरीज एक रिवेंज ड्रामा बन के रह गई है, जो कुछ भी नया दर्शकों के सामने परोस नहीं पाती है। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात इस वेब सीरीज की वो है, इसके कलाकार को जो काम किया है वो गजब का है। दोस्तों अमित सियाल ने एक बार फिर से दमदार एक्टिंग की, उन्होंने साबित कर दिया अगर उनको लीड एक्टिंग करने को मिल जाएगी तो अपने दम पे सीरीज़ हो या मूवी हो उसको आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों वो अपने किरदार को उन्होंने पूरी तरह से एकदम संजीदगी से जिया है। कोर्ट रूम में जब वह घटनाओं को सोच रहे हैं वो सीन शानदार है। सीरीज़ में अक्षा और अंशुमान ने उनके साथ में अच्छा काम किया है। दोस्तों हितेश अग्रवाल को करने का उनके पास कुछ खास नहीं था, हालांकि दोस्तों कहानी उन्हीं से शुरू होती है। दोस्तों बाकी कलाकारों का जो काम है वो ठीक ठाक था। दोस्तों सीरीज़ की जो सिनेमाटोग्राफी है उसकी बात करें तो एयरपोर्ट वाले जो सीन्स इसमें लगाए गए हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस सीरीज़ की कहानी दोस्तों 90 के दशक की है, लेकिन दोस्तों डायरेक्टर उनकी डिटेलिंग में चूकते नज़र आते हैं। दोस्तों सीरीज़ का जो डायलॉग है वो स्नेहा खानविलकर और संगीत है वो एकदम से औसत है। दोस्तों ये वन टाइम वॉच हुई है, जिसे सीरीज़ है जिसे आप एक बार आराम से ज़रूर देख सको, खास करके दोस्तों अमित सियाल के लिए। उनकी जो एक्टिंग है वो एकदम से कमाल है, और कहीं आपको पहले 2-3 एपिसोड में अच्छी तरह से क्राइम थ्रिलर आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।